पहला दौरा राजस्थान के डूंगरपुर अंचल से शुरू हो रहा है और इसके अपने मायने भी होते हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस नेताओं ने जो आज़ादी के बाद और पहले रिश्ता था आपके साथ में पंडित नेहरू के ज़माने से ही, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब तो हम लोग यहाँ डूंगरपुर में आए थे उनके साथ में, उन्होंने भी जो पूरा जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, चाहे राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, सबसे दौरे किए। ये प्रधानमंत्री बनते ही दौरे करने मायने रखते हैं कि हम कैसे आदिवासियों की समस्याओं को हल करें, कैसे उनको प्राथमिकता दें उनके विकास के लिए। और यूपी गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो वन अधिकार कानून बना करके ऐतिहासिक काम किया। पट्टे मिले हजारों लोगों को जो अपील के अंदर हैं, उनके लिए हमने कैंप लगवाए अभी हाल ही में, और कैंप लगवाएंगे और भी जरूरत होगी तो, पर आपको पट्टे मिलके रहेंगे ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपकी जो भी समस्या आती है, क्योंकि ये निवार का क्षेत्र जी TSP एरिया भी आता है और उसके अलावा भी आदिवासी लोग रहते हैं, हमेशा विकास में प्राथमिकता मिली यहाँ पर। आज़ादी के पहले आपको मालूम है हरदेव जोशी जी हो, चाहे गौरी शंकर पंड्या जी हो, मानकलाली वर्मा हो, गोविंदलाली पंड्या हो, गौरी शंकर जी उपाध्याय हो, सबने अपना योगदान दिया यहाँ के विकास में, यहाँ के संस्कार में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए। गोविंद गुरु का एक इतिहास अलग है मानगढ़ का, गणेश धाम जो सबको आकर्षित करता है, जो आपका पावन धाम भी है, कालीबाई की अलग कहानी है। तो सभी तरह से यह एरिया हमें सुखद अनुभव देता है, और यहाँ आते हैं तो मुझे भी अपना मन लगता है। जब कभी मैं आया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के गांवों के अंदर, तो आपका जो व्यवहार है, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, उतना हमेशा मुझे भी सुकून दिया है, और इसलिए मन करता है कि जब कभी मौका लगे तो इस भूभाग में अवश्य जाएं। आपके पास जमीन की होल्डिंग बहुत कम है, छोटे खेत हैं, बहुत छोटे खेत हैं, और फिर भी आप अपना गुजारा करते हैं वहाँ पर, इसलिए ये प्रायोरिटी दी गई, हमेशा प्राथमिकता दी गई कि जो स्कीम आए सरकार की वो पहले यहाँ लागू हो। माँ नरेगा आपको मालूम है ऐतिहासिक कदम था UP गवर्नमेंट का, जब सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में कानून बना करके आपको अधिकार दे दिया, अकाल पड़ो या नहीं पड़ो तब भी आपको 100 दिन की रोजगार मिलेगा, अकाल पड़ेगा तो 150 दिन का मिलेगा। और मुझे खुशी है कि चाहे तारचंद बगोरा जी हो, चाहे महेंद्र मालविया हो, जब कभी ये लोग प्रमुख बने हैं तो यहाँ पर 2-2, 2.5-3 लाख एक साथ में काम मिले हैं मजदूरों को, यहाँ के किसानों को। ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में कहीं पे भी इतनी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं मिलता है। पानी हो, चाहे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कों की बात हो, सिंचाई की बात हो, भीखा भाई के नाम थे वो जब दिवंगत हो गए तो बहुत हमारे आदरणीय थे, मेरे प्रति उनका हमेशा आशीर्वाद रहा था, मेरे साथ में मंत्री भी थे वो, तो हमने उनके नाम का नहर का नाम भी रखा और काम भी करवाया। कई काम अधूरे भी होंगे क्योंकि सरकारें बार बार बदल जाती हैं तो काम रुक जाते हैं। जब मैंने शुरू करवाया उसके बाद में 2 बार सरकार चली गई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने आपसे वादे कर रखे हैं उनको मैं कमी नहीं आने दूँगा। जो मुझे याद दिलाए गए हैं उनको हम लोग उन वादों को पूरा करेंगे। और पिछली बार जो
एलजी ऑफिस दो जगह हमने अनाउंस किए थे और उसके बाद नई सरकार आई उनको रोक दिया गया। उन दोनों जगहों पर वापस एलजी ऑफिस खुले ये मैं आपको पोस्टिंग भी नहीं हुई वहाँ पर पोस्टिंग हुई नहीं और भवन बन गए एसडीओ के वो भवन खाली पड़े हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दोनों जगह पर हम लोग वापस एसडीओ ऑफिस खोलेंगे ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी पहले वादे कर लिए सरकार बदल गई उसमें हमारा कसूर नहीं है। नई सरकार को चाहिए था कि पुरानी सरकार के किए वादे को कैंसिल नहीं करे। हम कभी कैंसिल नहीं करते। अभी सरकार चली गई बीजेपी की तो उनके जो काम चल रहे हैं हम कोई कैंसिल नहीं करने वाले। हम चीकली सावला दो जगह मैंने खोले थे पहले बंद कर दिए वापस खोल के रहूंगा ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आने वाले वक्त में मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमने मैनिफेस्टो वादे किए हैं वो निभाएंगे। सरकार बनते हमने जो कर्जा माफ करने का राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के भूमिगत बैंक के कर्जे माफ हुए और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है 2 लाख रुपए तक के कर्जों की। क्योंकि जैसे वो उद्योगपतियों को जब कर्जा माफ कर सकते हैं उद्योगपतियों के जब चुकाने की स्थिति में नहीं है तो रीशेड्यूल कर सकते हैं कर्जों को तो किसानों क्यों नहीं कर सकते। ये हमारा तर्क है भारत सरकार के साथ में भी क्योंकि बैंक आती है भारत सरकार के अंडर में आती है। वो लोग बातचीत कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई हल निकलेगा। पर जो हमने कहा है वो करके दिखाया है और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी यहाँ डूंगरपुर में भी करीब 10,000 आवेदन प्राप्त हुए थे कर्जा माफी के उसमें अधिकांश को मिल गया है बाकी प्रक्रिया में चल रही है। तो मुझे इस बात की शिकायत भी है कुछ लोग जिन्हें फर्जी वाला कर दिया कुछ लोग बाहर विदेश में रहते हैं पर गरीब किसान के नाम से उन्होंने फर्जी लोन उठा लिए जानकारी मिली उसकी अलग जांच करवा रहे हैं। परंतु ये होना नहीं चाहिए था ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो हमने बिजली के बिल 5 साल नहीं बढ़ेंगे कह दिया है 1 लाख कनेक्शन दे रहे हैं करीब 70,000 कनेक्शन तो मिल चुके हैं किसानों को